साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने राजनेता एकनाथ खड़से कभी बीजेपी तो कभी शरद पवार की पार्टी में चक्कर काट रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, फिर पवार की एनसीपी में आ गए और फिर बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाकर भी खुद को एनसीपी का बता रहे हैं। कुल मिलाकर एकनाथ खड़से की तरफ से भारी कंफ्यूजन है, मगर संजय राउत को किसी के भी फटे में टांग उलझाने की खराब आदत है और खड़से के मामले में भी राउत ने मीडिया के सामने आकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद खुद शरद पवार भड़क गए और मीटिंग में पवार ने राउत को फटकार तक लगा दी और साफ साफ कह दिया कि अगर किसी के बारे में कुछ कंफर्म पता ना हो तो मीडिया के सामने मुंह मत खोला करो। तो क्या कहा राउत ने? राउत की वजह से शरद पवार को क्यों आया गुस्सा? खड़से पर क्या बोलकर फंस गए संजय राउत? सब बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने और तजुर्बेदार नेता एकनाथ खड़से को लेकर महाविकास अघाड़ी में उस वक्त हंगामा मच गया जब संजय राउत ने मीडिया में आकर कह दिया कि एकनाथ खड़से तो अपना आदमी है और खड़से जैसे कितने ही नेता हमारी पार्टी के हमारे गठबंधन के कतार में खड़े हैं, हमसे हाथ मिलाने के लिए बेकरार हैं। अब राउत के इस बयान के बाद तो अघाड़ी की मीटिंग में हंगामा हो गया और शरद पवार ने संजय राउत को फटकार तक लगा दी। दरअसल एकनाथ खड़से को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मीडिया के सामने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के संपर्क में बहुत सारे नेता हैं। संजय राउत ने इस बात के संकेत दिए कि महायुति के बड़े बड़े नेता एमवीए ज्वाइन करने को बेकरार हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे संपर्क में बहुत सारे नेता हैं, जल्द ही आपको पता चलेगा कि महाविकास अघाड़ी में महायुति के कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। और इस दौरान संजय राउत ने एकनाथ खड़से को अपना आदमी भी कहा, जबकि हाल ही में एकनाथ खड़से ने शरद पवार की पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है और राउत ने उन्हीं खड़से को अपना आदमी कहकर शरद पवार को नाराज कर दिया। सामने आया कि शरद पवार ने मीटिंग में संजय राउत से कहा कि आपको पूरी बात पता नहीं होती और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मीडिया में कुछ भी बयान देना महाविकास अघाड़ी के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। शरद पवार ने ये भी कहा कि जिम्मेदार नेता की तरह बयान दिया करो। यहां बता दें कि एकनाथ खड़से ने हाल ही में बयान दिया है जिससे लग रहा है कि वो बीजेपी से भी नाराज है और संभवतः वो शरद पवार गुट में वापसी कर सकते हैं। और संजय राउत ने ऐसी ही हवा हवाई खबरों के आधार पर मीडिया में कह दिया कि एकनाथ खड़से तो अपने आदमी हैं, जिससे शरद पवार नाराज हो गए। यहां आपको बता दें कि एकनाथ खड़से ने बीजेपी में वापसी की थी, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों के विरोध के कारण बीजेपी में उनके आने की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है। इस बात से वो खफा भी हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं अभी भी शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी का सदस्य हूं और उसका ही विधायक भी हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। खड़से ने इस दौरान संकेत दिए कि वो फिर से शरद पवार की तरफ अपना मुख कर सकते हैं और राउत ने भी इसी आधार पर अपना बयान मीडिया में दे दिया। वैसे चुनाव से पहले महायुति के घटक दलों के नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री सूर्यकांत पाटिल, माधव राव किन्हालकर ने शरद पवार गुट को ज्वाइन कर लिया है। वहीं सोलापुर से वसंत देशमुख ने भी शरद पवार की पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। समरजीत खाड़गे ने भी एनसीपी एसपी का दामन थाम लिया तो वहीं अजित पवार गुट के राम राजे निंबालकर ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जुलाई के महीने में पिंपली चिंचवाड़ से एनसीपी के 20 से ज्यादा नेताओं ने शरद पवार पार्टी को ज्वाइन किया है और अब एकनाथ खड़से की भी वापसी की पूरी संभावना है। मगर बिना किसी कंफर्मेशन के संजय राउत ने मीडिया के सामने जो दावा किया वो शरद पवार को खासा अखर रहा है और इसी बात से शरद पवार नाराज हो गए और राउत को संभल कर बोलने के सख्त निर्देश भी दे दिए। तो क्या वाकई में राउत का बड़बोलापन पार्टी और गठबंधन के लिए भारी पड़ सकता है? क्या शरद पवार की नाराजगी बिल्कुल सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के पात्राचौल के रीडेवलपमेंट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महिला गवाह ने ईडी को पत्र लिखकर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जांच के दौरान दिए गए अपने बयानों को बदलने के लिए उसे धमकियां मिल रही है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भी आरोपियों में से एक है। महिला गवाह ने 28 अगस्त को ईडी के अतिरिक्त निदेशक अमित दुआ को ये पत्र लिखा था और अब इस पत्र को महिला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। महिला ने इस पोस्ट
में दावा किया है कि मैंने देश के सभी अधिकारियों को अपनी दुर्दशा बताई है, जो धमकियां मिल रही है उसके बारे में डिटेल में बताया है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई जांच नहीं की गई, कोई प्राथमिकी नहीं की गई। क्यों? मेरे मरने के बाद न्याय देने का कोई मतलब नहीं होगा। मुझे लगातार धमकाया जा रहा है, मैं और मेरा परिवार डर के साये में है, मेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन किसी ने भी इस मामले में जांच नहीं की, किसी ने भी मेरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। महिला गवाह ने पत्र में आगे कहा कि मैं ईडी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि इस मामले में आरोपी और उसके गुंडे लगातार मुझे और मेरे परिवार को और इस केस से जुड़े अन्य लोगों को धमका रहे हैं, बयान बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं, मुझे लगातार धमकाया जा रहा है और जांच के दौरान दिए गए मेरे बयान को बदलने के लिए मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे अलग अलग तरह से धमकियां दी जा रही है। महिला ने दावा किया कि मुझे इस केस में संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों के नाम नहीं लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जमीन और संपत्तियों के मालिकाना हक में संजय राउत और उनके परिवार का नाम ना लिया जाए, इसके लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। महिला ने कहा कि मैं ईडी के अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि मुझे इन धमकियों से छुटकारा दिलवाया जाए और मेरी जान की सुरक्षा की जाए। वहीं इस मामले में शिवसेना एकनाथ शिंदे के एक नेता ने भी अपना कमेंट किया है और कहा है कि ये मामला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुंबई के पुलिस आयुक्त के सामने उठाया जाएगा और महिला को जल्द ही इंसाफ दिलाया जाएगा और जो भी धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जाएगा। हालांकि इस मामले में ये साफ नहीं हो पाया कि महिला को धमकियां कौन दे रहा है, लेकिन पात्रा चौल में महिला ने बार बार कहा है कि मुख्य आरोपी की तरफ से धमकियां मिल रही है और इस मामले में संजय राउत भी मुख्य आरोपी रहे हैं। तो आपको यहां पर बता दें कि पात्रा चौल केस है क्या। तो दरअसल में पात्रा चौल मुंबई में बन रही थी और इसके रीडेवलपमेंट के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई और इस मामले में संजय राउत भी मुख्य आरोपी है। संजय राउत को ईडी ने पात्रा चौल के पुनर्विकास से जुड़े धनशोधन मामले में अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। उन्हें इसके बाद 3 महीने जेल में रहना पड़ा और 9 नवंबर 2022 को जमानत मिली थी। इस मामले में इसी महिला गवाह ने पिछले साल भी मुंबई पुलिस से शिकायत की थी और धमकी भरे पत्र मिलने की बात कही थी और दबाव डालने की बात कही थी कि वो अदालत में गवाही ना दे। और अब एक बार फिर से महिला गवाह सामने आई है और महिला ने एक बार फिर से धमकियां मिलने की बात कही है, जो कि अपने आप में बेहद हैरानी भरा मामला है। तो आपको क्या लगता है, महिला गवाह को कौन धमकियां दे रहा है? आखिर कौन महिला पर बयान बदलने का दबाव डाल रहा है? आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना पर माफी मांगी है। इस पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत की एक बार नहीं बल्कि दो दो बार प्रतिक्रिया सामने आई है और राउत प्रतिक्रिया देने के चक्कर में हर मर्यादा को पार कर गए। पहले तो राउत ने कहा कि ऐसे पीएम के सिर पर जूता मारना चाहिए, अब चाहे घटना जो भी हो, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना किसी को भी शोभा नहीं देता। अब राउत के इस बयान पर बवाल बढ़ ही रहा था कि राउत ने एक बार फिर से बयान दे दिया और कह कि मोदी को तो रोज सिर झुकाकर हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, जिस पर तो महाविकास अघाड़ी में हंगामा हो गया। तो अघाड़ी की मीटिंग में क्या हुआ वो भी बताएंगे, मगर राउत ने क्या कहा पहले ये भी देख लो। तो मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि माफी मांगो और छूट जाओ, यही है उनका। अगर सच्चे मन से पीएम माफी मांगते हैं तो 5 साल पहले 40 जवानों की हत्या हुई थी, देश दुखी हुआ था, उस वक्त देश से माफी मांगनी चाहिए थी, मगर उस वक्त तो पीएम अपनी नाकामी को छिपाकर बैठ गए थे। राउत ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घटनाएं हुई है, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा पूरा नहीं हुआ, आपने इतना झूठ बोला तो आपको हर दिन माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये महाराष्ट्र है और ये किसी को आसानी से माफ नहीं करता, ऐसी माफी मांगने वालों के सिर पर तो महाराष्ट्र की जनता जूता मारती है। वहीं संजय राउत ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को मुंबई की जनता ने काला झंडा दिखाकर स्वागत किया है, जो बताता है कि मोदी से मुंबई की जनता कितनी नाराज है। राउत ने कहा कि माफी मांगकर जाने नहीं देंगे, शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिस तरह गिरकर चकना चूर हुई है, मोदी को भी उसी तरह चकनाचूर करके दम लेंगे।